नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। कमलनाथ जन संदेश और वरिष्ठ जन सम्मान समारोह रक्षाबंधन पर वार्ड क्रमांक 45 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सरकार की नाकामी और कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव जीतने के बाद 11 वचनों के बारे में बताकर सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में जिला सरकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह ने मातृशक्तियों के साथ वरिष्ठ समाज सेवी का सम्मान किया। 45 में कमलनाथ जन संदेश के माध्यम से हमारी मातृशक्ति रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमने उनका सम्मान किया है, वरिष्ठ कांग्रेस जन का सम्मान किया है, जिसमें हमारे कांग्रेस जन के परिवार के लोग, बेरवा समाज के लोग, सभी वरिष्ठ जन शामिल थे। और निश्चित रूप से हम सब ने आज एक संकल्प लिया है कि आने वाले टाइम में 2023 के चुनाव में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि इस मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना हो सके, नारियों का सम्मान हो सके, माता बहनों का सम्मान हो सके, उन्हें 1500 रुपये महीना मिले, 500 रुपये की गैस की टंकी मिले, बिजली का बिल उनका माफ़ हो, ये सब कार्य पूर्ण करने के लिए हमने आज माता बहनों और वार्ड क्रमांक 45 के सभी वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं से मुलाकात की थी। निश्चित रूप से आज आप जो जिस प्रकार से उत्साह कांग्रेस के प्रति आप देख रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। इंदौर में एक कारोबारी के चार पहिया वाहन का कांच फोड़कर चोरों द्वारा लाखों रुपए नगद, दस्तावेज सहित लाइसेंस पिस्टल चुराकर फरार हो गए। मामले में पुलिस का कहना है कि जहां पर गाड़ी खड़ी है, इसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। थाना लसुड़िया के अंतर्गत स्कीम नंबर 78 में एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में जो शिकायतकर्ता ऋषिराज वहां पर गए थे और वो उसमें कहीं कोई सामान लेने के लिए, कुछ खाने के लिए अंदर थे। उनकी जो गाड़ी थी वो पार्किंग में अंधेरे में पार्क थी। जब वो वापस आए तो गाड़ी का जो कांच था वो टूटा हुआ था और उसमें से बैग, जो एक लेदर बैग था, वो उसमें से गायब था। और जब उन्होंने चेक किया तो उसमें से उनका नकदी और उनकी जो एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो उसमें से गायब थी। पुलिस ने इस मामले में 379 का अपराध पंजीबद्ध किया है और जो अज्ञात चोर है या जिसने जो घटना कारित की है उसकी इसमें पतासाजी की जा रही है। मंदिर परिसर से सुबह 10:30 बजे से महाआरती के बाद निकला शिवडोला देर रात करीब 1 बजे तक शहर से करीब 4 किलोमीटर का भ्रमण कर मंदिर परिसर पहुंचेगा। भादव की दूज पर 55वें शिवडोले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर ने आज शहर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा है। सिद्धनाथ महादेव की शाही सवारी में 21 झांकी, 7 अखाड़े, 12 नृत्य दल, 10 ढोल ताशा दल, 2 नगाड़ा पार्टी और डीजे आकर्षण का केंद्र है। शहर में 100 से अधिक सेवा स्टॉल के माध्यम से भोजन सहित जलपान की व्यवस्था की गई है। शिवडोले की सुरक्षा को लेकर खरगोन सहित आसपास के 7 जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।